हेलो फ्रेंड, दिस इज कुंदन झा एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन इन्फॉर्म टेकी। आज ASP.NET के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि हम डेटाबेस में कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं इन ASP.NET बाय यूजिंग C#। तो यहाँ पे आज हम ये वाले एग्जांपल को करने वाले हैं। तो ये एग्जांपल में मैंने बेसिकली डिजाइन के लिए बूटस्ट्रैप यूज़ किया। यदि आपको बूटस्ट्रैप नहीं पता है तो मैं इसमें बेसिक्स आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। लाइक हम कुछ इस तरह से एग्जाम्पल करने वाले जिसमें हम फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, जैसे सपोज टेस्ट एंटर किया मैंने, एंड लास्ट नेम टेस्ट, एज लेट से 18 एंड सैलरी समथिंग 12,000, ये एंटर करेंगे। एंड जब हम सबमिट बटन पे हिट करेंगे तो ये डेटा डेटाबेस में सेव हो जाएगा एंड एक अलर्ट मैसेज आएगा कि आपका डेटाबेस में डेटा सेव हो गया। लाइक मैं अपने सबसे पहले आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी 5 रिकॉर्ड इंसर्टेड है, तो मैं एक डेटा अभी मैं अपने .NET एप्लीकेशन से इंसर्ट करूंगा, दैट मीन्स इस वाले फॉर्म से। ओके फाइन, तो ये वाला डेटा हम सेव करते हैं टेस्ट वाला। तो हिट ऑन सबमिट बटन, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक सक्सेस मैसेज आएगा, गुड जॉब रिकॉर्ड इंसर्टेड। ओके, आप अपने डेटाबेस में जाके डेटा चेक करें तो आपका एक डेटा इंसर्ट हो गया, दैट इज फर्स्ट नेम टेस्ट, यस लास्ट नेम टेस्ट, एज 18 एंड सैलरी 12,000। तो चलिए हम इस एग्जांपल को करने के लिए सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। लेट्स एंड लेट मी क्लोज दिस फॉर्म। ओके, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फॉर्म ऐड कर लेता हूँ। अपने एप्लीकेशन पे आप राइट क्लिक करें एंड एड, और यहाँ से आप न्यू आइटम चूज करें एंड यहाँ से हम वेब फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं एंड लेट से मैं इसका नाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म रख देता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हिट ऑन ऐड बटन। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए ADO.NET यूज करने वाला हूँ। यदि आपको नहीं पता ADO.NET तो इसके लिए हमने सेपरेट ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसे देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे कुछ इस तरह से UI डिज़ाइन करना है। फाइन, तो मैं एक टेबलर फॉर्म मैंने UI डिज़ाइन किया है, तो मैं यहाँ पे एक टेबल ले लेता हूँ, टेबल एंड यहाँ पे टेबल रो TR एंड फर्स्ट मुझे क्या डिस्प्ले करना है, लाइक फर्स्ट रो में फर्स्ट नेम एंड देन फिर मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे नेम बोल्ड में आ रहा है, दैट मीन मैंने TH यूज किया है, टेबल हेडिंग। तो मैं यहाँ पे TH फर्स्ट नेम एंड मैं एक और टेबल डेटा एंड मैं यहाँ पे ASP का टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, सॉरी ASP टेक्स्ट बॉक्स। लेट्स से रन एट सर्वर, कंपलसरी प्रॉपर्टी है सर्वर साइड कंट्रोल की एंड मैं इसका कुछ ID सेट कर देता हूँ, फर्स्ट नेम के लिए TXT एफ नेम। फाइन, तो मुझे अभी एक और बनाना है लास्ट नेम के लिए, तो मैं यही TR कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट एंड दिस इज फॉर लास्ट नेम और मैं इसकी ID चेंज कर देता हूँ, लेट्स से TXT एल नेम। एक और TR चाहिए मुझे एज के लिए, तो मैं उसे कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे एज एंड मैं इसका यहाँ पे जो ID है वो TXT एज रख देता हूँ। एक और मेरे को TR चाहिए, दैट इज फॉर सैलरी, सैलरी एंड मैं यहाँ पे इसकी ID TXT सैलरी कर देता हूँ, TXT सैलरी। मुझे अभी एक और TR चाहिए जहाँ पे मैं दो बटन डिस्प्ले करूँ, एक सबमिट और एक कैंसल बटन। तो चलिए मैं कोई TR कॉपी कर लेता हूँ एंड नाउ दिस टाइम रिमूव दिस फर्स्ट TD में मैं सबमिट बटन से ASP बटन, सर्वर साइड कंट्रोल है सो रन एट सर्वर एंड ID इक्वल टू BTN सबमिट के लिए, तो मैं इसका ID सबमिट कर लेता हूँ, BTN सबमिट एंड जो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले करना है बटन के ऊपर दैट इज सबमिट। ओके, मुझे एक और बटन चाहिए तो मैं एक TD कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट इट एंड मैं इसकी ID BTN कैंसिल कर देता हूँ एंड जो मुझे टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले करने हैं दैट इज ऑल्सो कैंसिल। फाइन, हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, जस्ट राइट क्लिक एंड व्यू इन ब्राउजर। ओके फाइन, तो यहाँ पे हमारा UI आ गया है, यूजर इंटरफेस, बट मुझे कुछ इस तरीके से स्टाइलिंग करनी है और मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए बूटस्ट्रैप का यूज़ किया था। तो यहाँ पे भी हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए हम CDN ले लेते हैं या फिर आप बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप 3 लेने वाला हूँ, यदि आपको 4 चाहिए तो आप 4 भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसका CDN ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 का यूज़ कर रहा हूँ CDN।
तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप के वेबसाइट को ओपन करें एंड आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप का सीएसएस का फाइल का लिंक मिल जाएगा, दैट इज सीडीएन लिंक। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, एंड हम अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं और अपने फॉर्म वेब फॉर्म में हेडिंग टैग में जाके हेडिंग टैग के अंदर हम लिंक टैग का यूज़ करके सीएसएस फाइल ऐड कर देते हैं। लिंक रेफरेंस जो भी हमने पाथ वहाँ से कॉपी किया है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड रिलेशनशिप इक्वल टू स्टाइल सीट, फाइन। तो अभी टेबल को स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए जो बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास है हम उस क्लास का यूज करते हैं, दैट इज द टेबल क्लास। टेबल के लिए टेबल क्लास सेव करें इसे एंड ब्राउजर में जाके अपने फाइल को रिफ्रेश करें। तो यहाँ पे स्टाइल अप्लाई हो गया, हमारा टेबल यहाँ पे एक्सपांड हो गया। अब हमें क्या करना है, हर एक टेक्स्ट बॉक्स को स्टाइल अप्लाई करना है जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, लाइक दैट। तो चलिए उसके लिए बूटस्ट्रैप में हमारे पास जो क्लास है फॉर्म कंट्रोल के लिए, उस क्लास का नाम फॉर्म कंट्रोल है। तो सर्वर साइड कंट्रोल में क्लास अप्लाई करने के लिए हमें सीएसएस क्लास लिखना होता है, लाइक दैट, एंड देन आई विल से फॉर्म कंट्रोल। ये बूटस्ट्रैप का क्लास है जो हमारे फॉर्म कंट्रोल को डिजाइन करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट बॉक्स को स्टाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैंने फॉर्म कंट्रोल यूज किया। तो देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं हमारे टेक्स्ट बॉक्स में, जस्ट आप रिफ्रेश करें। तो यस, तो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ पे स्टाइल हो गया है। तो अभी मुझे यही सेम स्टाइलिंग सारे टेक्स्ट बॉक्स पे प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम कोड कॉपी करूँगा हर एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। फॉर लास्ट नेम सेम, एज के लिए भी एंड सैलरी के लिए भी। रिफ्रेश करें यहाँ पर एक बार अपने ब्राउजर पे जाके, से तो यस चारों टेक्स्ट बॉक्स पे हमारी स्टाइल अप्लाई हो गया है। बट जो हमारा ये टेबल है वो कंप्लीट स्क्रीन को कवर कर रहा है, और यहाँ पे हमने देखा कि कंप्लीट स्क्रीन कवर नहीं कर रहा है, ये सेंटर में आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है ना, जो बूटस्ट्रैप होता है वो कंप्लीट स्क्रीन को, मतलब जो भी हमारा डिवाइस होता है कंप्लीट डिवाइस स्क्रीन को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट मीन्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन 12 इक्वल्स कॉलम में डिवाइड करता है। तो अभी ये 12 के 12 कॉलम यूज कर रहा है, बट यहाँ पे मैंने 8 कॉलम यूज किए हुए हैं। तो सेम वे में मैं यहाँ पे भी 8 कॉलम यूज करूंगा, तो ये यहाँ तक डिस्प्ले कवर करेगा बिकॉज लास्ट तक 12 कॉलम है, तो मैं 8 कॉलम का यूज करता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस कंप्लीट टेबल को एक डिव टैग के अंदर रखना होगा, दैट इज मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। एंड मैं इस डिव टैग को एक क्लास अप्लाई करता हूँ बूटस्ट्रैप का, दैट इज कॉल, दैट मीन्स कॉलम, एम डी दैट मीन्स मिडिल डिवाइस, एंड मैं यहाँ पे 8 ले लेता हूँ। सेव करें एंड ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करें, तो ये अभी 8 पार्टी कवर कर रहा है, कंप्लीट स्क्रीन कवर नहीं कर रहा है। अब मुझे सेंटर में चाहिए लाइक दैट, तो मुझे इसके लिए क्या करूँगा, अभी ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें से मैंने 8 पार्ट यूज किया। यदि मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉलम का मार्जिन छोड़ दूं तो मुझे ये सेंटर में मिल जाएगा, दैट मीन्स 2 एंड देन फिर 8 इसने कवर किया एंड राइट हैंड साइड से भी 2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉलम मार्जिन स्पेस छोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसी डिव को यहाँ पे एक और क्लास अप्लाई करते हैं, कॉल एम डी एंड ऑफसेट, दैट मीन्स लेट से मैं 2 ऑफसेट छोड़ रहा हूँ, 2 ऑफसेट मीन्स 2 कॉलम्स। ब्राउजर में जाके आप एक बार रिफ्रेश करें, तो यस मेरा ये सेंटर अप में आ गया है, सेम लाइक दैट। ओके, अभी मुझे बटन पे सीएसएस अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे मैंने सबमिट बटन एंड कैंसिल बटन को अप्लाई किया है। तो इसके लिए चलिए विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, टेबल एक्सपेंड करता हूँ मैं अपना, एंड बटन पे मैं यहाँ पे एक सीएसएस क्लास अप्लाई कर देता हूँ। तो बटन के लिए जो सीएसएस है वो बीटीएन है, ओके, बट मुझे वो ग्रीन कलर में चाहिए, तो उसके लिए बीटीएन सक्सेस इज फॉर ग्रीन, ये आपको ग्रीन कलर में बटन डिस्प्ले करेगा। एंड सेम मुझे यहाँ पे कैंसिल को भी अप्लाई करना है, तो सीएसएस बटन बीटीएन एंड बीटीएन रेड कलर के लिए आप डेंजर का यूज करें, सक्सेस फॉर ग्रीन एंड डेंजर फॉर रेड। आप एक बार ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करें, फाइन। तो हमारा सेम डिजाइन हो गया है जो डिजाइन हमको यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, अभी मुझे क्या करना है, सबमिट बटन के क्लिक पे डेटाबेस में डेटा सेव करना है, दैट मीन्स
इन दिस डेटाबेस THDB में एम्प्लॉय टेबल के अंदर। तो चलिए हम बटन क्लिक पे कोडिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं सबमिट बटन के ऑन क्लिक, लेट से मैं एक इवेंट क्रिएट करता हूँ, क्रिएट न्यू इवेंट, फाइन। एंड यहाँ पे मुझे कोडिंग करनी है डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने की। तो सबसे पहले हम उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड सैलरी फेच कर लेते हैं। तो लेट से मैं एक स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम में एफ नेम में ले लेता हूँ। वो मुझे कहाँ से मिलेगा, txt एफ नेम डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे मैं कोई वैलिडेशन चेक नहीं कर रहा हूँ, वैलिडेशन के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। स्ट्रिंग लास्ट नेम के लिए एल नेम वेरिएबल ले लेता हूँ एंड txt एल नेम डॉट टेक्स्ट। अभी एज हमारा इंटीजर में है तो उसके लिए मैं इंट ले लेता हूँ, एज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32 txt एज डॉट टेक्स्ट। एंड नाउ सैलरी, दैट इज ऑल्सो इंटीजर, एंड सैलरी के लिए मैं सेल इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32 txt सैलरी डॉट टेक्स्ट, फाइन। तो हमने यहाँ पे चारों डेटा फेच कर लिए वन बाय वन करके। अब हमको ये डेटाबेस में इंसर्ट करने हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ। यदि आपको ये कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होते हैं, हम डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं नहीं पता है, तो आप जाके पहले मेरा adio.net का वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो स्ट्रिंग cs इक्वल टू, सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग में हमें क्या चाहिए, डेटा सोर्स। तो हमारा डेटा सोर्स क्या होगा, डॉट, दैट मीन्स मेरा डेटाबेस जो है मेरे ही पीसी में इंस्टॉल है, तो लोकल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम डॉट का यूज करते हैं। एंड डेटाबेस, डेटाबेस दैट मीन्स नेम ऑफ माय डेटाबेस। तो मेरे डेटाबेस का नेम क्या है, यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या है, TestDB। तो हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे TestDB सेमीकोलन। अब मुझे यहाँ पे क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने, दैट मीन्स यूजर नेम पासवर्ड। यदि हमारे डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए कोई यूजर नेम पासवर्ड रिक्वायर्ड है तो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बट मेरे डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए कोई भी यूजर नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने विंडो ऑथेंटिकेशन एक्टिव किया हुआ है, दैट इज यस। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू कर देता हूँ। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू। ओके, तो यहाँ पे हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया। अभी हमें SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक नेम स्पेस को इंपोर्ट करना होगा, दैट इज SQL क्लाइंट, SQL सर्वर से कनेक्ट होने के लिए, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। यदि ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है कि SQL क्लाइंट क्या होता है, हम डेटाबेस से कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, तो इसके लिए हमने सेपरेट ट्यूटोरियल adio.net का अपलोड किया हुआ है, आप जाके उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, SQL कनेक्शन कॉन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। भी SQL कनेक्शन क्या चाहिए, आपका कनेक्शन स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देते हैं। एंड अभी मुझे क्या प्रिपेयर करना है, क्वेरी इंसर्ट, डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट क्वेरी। तो हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए कैसे लिखते हैं क्वेरी, इंसर्ट इनटू जो भी आपका टेबल का नेम है, एम्प्लॉय एंड वैल्यूज लाइक दैट। तो लेट से मैं यहाँ पे एक डेटा इंसर्ट करता हूँ, ए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम बी, एज लेट से 18 एंड सैलरी 12,000, सेलेक्ट एंड यस वन रो अफेक्टेड। हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, यस ये डेटा इंसर्ट हो गया। तो मैं ये वाली क्वेरी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यस मैं क्वेरी प्रिपेयर कर लेता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल टू, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट करने के लिए स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट फंक्शन का यूज कर लेता हूँ एंड पेस्ट। अभी मुझे ए बी 18 एंड 12,000 इंसर्ट नहीं करना है, जो इस वाले वेरिएबल में डेटा है वो डेटा इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर ले लेता हूँ, 0 1, स्ट्रिंग डेटा के लिए मैं प्लेस होल्डर भी सिंगल कोट्स के अंदर ही ले रहा हूँ, बिकॉज स्ट्रिंग डेटा सिंगल कोट्स के अंदर ही पास किए जाते हैं।
एंड इंटीजर के लिए विदाउट सिंगल कोट्स 2 and 3, कॉमा सेपरेट। मैं वन स्टेप नीचे ले लेता हूँ सो दैट आपको क्लियरली डिस्प्ले हो। ओके, तो फर्स्ट मुझे क्या पास करना है, जीरो प्लेस होल्डर वाले पे फर्स्ट नेम दैट इज एफ नेम, एंड प्लेस होल्डर वन पे मुझे क्या पास करना है एल नेम दैट इज द लास्ट नेम, एंड देन एज एंड सैलरी। ओके, तो हमारी यहाँ पे क्वेरी प्रिपेयर हो गई है। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा दैट इज द एसक्यूएल कमांड। तो लेट्स से एसक्यूएल कमांड सीएमडी इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। हम एसक्यूएल कमांड क्लास का थर्ड कंस्ट्रक्टर यूज कर लेते हैं, जिसे क्या चाहिए, दो आर्ग्यूमेंट चाहिए, फर्स्ट कमांड टेक्स्ट दैट मीन्स योर क्वेरी स्ट्रिंग सॉरी योर क्वेरी, एंड सेकेंड एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट दैट इज कॉन। तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्वेरी पास कर देता हूँ फर्स्ट, एंड सेकेंड मैं यहाँ पे कॉन एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। तो अभी हमारा कमांड प्रिपेयर हो गया है। अभी इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन ओपन करना है, लेट्स कॉन डॉट ओपन। अभी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी फंक्शंस का यूज करेंगे। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का यूज इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। ये सारी चीजें हमने ADO.NET ट्यूटोरियल में डिस्कस की हुई है। नाउ लेट्स से कनेक्शन क्लोज, फाइन। अभी मुझे क्या करना है, क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे कनेक्शन क्लोज करना है, एंड देन मुझे एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करना है कि डेटा सेव हो गया है। तो उसके लिए हमको स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड करना होगा दैट इज द क्लाइंट स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे क्लाइंट स्क्रिप्ट रजिस्टर करता हूँ, क्लाइंट स्क्रिप्ट डॉट रजिस्टर क्लाइंट स्क्रिप्ट ब्लॉक, फाइन। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे पास करना है टाइप, तो मैं करंट टाइप पास करता हूँ दैट मीन्स द दिस डॉट गेट टाइप। गेट टाइप फंक्शन से आपको करंट इंस्टेंस का टाइप मिल जाएगा, एंड फिर मुझे यहाँ पे एक की प्रोवाइड करनी है। आप की कुछ भी रख सकते हैं, लेट से मैंने यहाँ पे के रख दिया, आप कोई भी एक नेम रख सकते हैं की का। देन फिर मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट पास करना है, तो मैं जावा स्क्रिप्ट अलर्ट फंक्शन का यूज करता हूँ अलर्ट, एंड लेट से मैं यहाँ पे मैसेज पास करता हूँ रिकॉर्ड इंसर्टेड इंसर्टेड, फाइन। एंड यस, लास्ट मुझे एक और पैरामीटर पास करना है, दिस इज द बुलियन एड स्क्रिप्ट टैग। तो मैं इसे ट्रू करता हूँ, यस आई हैव टू एड स्क्रिप्ट टैग, ओके फाइन। तो अभी मैं टेक्स्ट बॉक्स के सारे टेक्स्ट एम्प्टी करता हूँ, जो भी ब्राउजर में यहाँ पे यूजर एंड टेक्स्ट एंटर किए होंगे उन्हें सबको मैं एम्प्टी कर दूँगा। तो उसके लिए हम टेक्स्ट सेट करते हैं txt एफ नेम में डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एम्प्टी, एंड txt एल नेम डॉट टेक्स्ट दिस ऑल्सो txt एज डॉट टेक्स्ट अभी एम्प्टी करते हैं, एंड txt सैलरी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू दिस वन, फाइन। लेट्स कंट्रोल एस से सेव करते हैं, लेट्स रन दिस वेब फॉर्म, राइट क्लिक व्यू इन ब्राउजर, ओके फाइन। तो सबसे पहले हम अपने डेटाबेस में डेटा चेक कर लेते हैं कि हमारे लास्ट कितने रिकॉर्ड हैं यहाँ पे। फिर से मैं सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, फाइन। तो यहाँ पे लास्ट 7 रिकॉर्ड है, फर्स्ट नेम ए लास्ट नेम बी। तो मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करता हूँ, तो अपने ब्राउजर को ओपन करते हैं यहाँ से, एंड देन यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम टेस्ट लास्ट नेम टेस्ट एंड एज लेट से 21 एंड सैलरी 12,000। नाउ हिट ऑन सबमिट बटन, तो यस मुझे अलर्ट आ रहा है रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। तो लेट्स से आप वापस से सिलेक्ट क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं, तो यस टेस्ट टेस्ट 21। बट हमें जावास्क्रिप्ट का ये वाला अलर्ट नहीं चाहिए, हमें स्वीट अलर्ट को अलर्ट करना है, लाइक जैसे हमने यहाँ पे किया था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और डेटा एंटर करता हूँ प्रीवियस फॉर्म में जो हमने किया था, जो प्रीवियस वाला फॉर्म है हमारा, ये लास्ट नेम अच्छा एंड एज लेट से 18 एंड सैलरी समथिंग 15,000 एंड, तो मुझे ये वाला अलर्ट वहाँ पे चाहिए। तो ये बेसिकली स्वीट अलर्ट का अलर्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर में जाके सबसे पहले स्वीट अलर्ट का CDN लिंक ले लेना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ स्वीट अलर्ट CDN,
तो ये जो बूट स्ट्रैप स्वीट अलर्ट है, आप इसको क्लिक करें इस वाले लिंक को, एंड यहाँ पे आपको दो फाइल मिलेगी, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल, तो मैं यहाँ से जावास्क्रिप्ट की फाइल ले लेता हूँ, मिनीफाइड फाइल भी है एंड डॉट जेएस फाइल भी है। तो आप कोई भी एक फाइल कॉपी कर लें यहाँ से, तो मैंने ये वाला लिंक कॉपी कर लिया है। मैं अपने अभी एप्लीकेशन में, अपने वेब फॉर्म में हेडिंग टैग में जाके एक स्क्रिप्ट टैग ऐड कर देता हूँ, लेट्स से स्क्रिप्ट एंड सोर्स, सोर्स में जो हमने अभी पाथ कॉपी किया उसे हम पेस्ट कर देते हैं, फाइन, एंड टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ओके। अभी हमें उस एक सीएसएस फाइल भी ऐड करना है यहाँ पे, तो वापस से मैं अपने ब्राउजर में जाता हूँ एंड यहाँ से मैं सीएसएस फाइल ले लेता हूँ, दिस इज द सीएसएस फाइल सीडीएन लिंक, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी एंड हेड टैग में जाके एक हम लिंक टैग ऐड करते हैं एंड रेफरेंस, तो जो पाथ हमने कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, ओके। रिलेशनशिप इक्वल टू स्टाइल शीट। तो अभी स्वीट अलर्ट का जो आप अलर्ट जाके देखेंगे, तो आप अपने ब्राउजर में जाइए और यहाँ पे स्वीट अलर्ट टाइप करें, तो आप स्वीट अलर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं अलर्ट डिस्प्ले करने के लिए। जैसे मैं जो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये वाला फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, लाइक दैट, आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं, गुड जॉब। आप यहाँ से कोई भी एक अलर्ट ले सकते हैं अपने एप्लीकेशन पर डिस्प्ले करने के लिए अलर्ट मैसेज, तो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, सक्सेस वाला, फाइन। तो यहाँ पे क्या है, स्वेल, दिस इज द फंक्शन नेम, एंड फर्स्ट गुड जॉब, देन योर बटन इज क्लिक एंड सक्सेस। बेसिकली यहाँ पे जो गुड जॉब है एंड यू क्लिक द बटन, ये आपका मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, गुड जॉब यू क्लिक द बटन, एंड जो यहाँ पे आपको राइट आ रहा है ग्रीन कलर में, वो सक्सेस प्रॉपर्टी की वजह से, दिस वन। तो हम यही वाला स्वेल मैसेज यूज करेंगे, सॉरी, तो हम यही वाला स्वेल फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने सी शार्प कोडिंग में आता हूँ, और जहाँ मैंने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज किया था वहाँ मैं जावास्क्रिप्ट यूज ना करके बूटस्ट्रैप का स्वेल फंक्शन यूज करूंगा, स्वेल। फर्स्ट मुझे पास करना है यहाँ पे गुड जॉब, आप कुछ और भी पास कर सकते हैं जो मैसेज आपको दिखाना हो, गुड जॉब। सेकेंड मुझे यहाँ पे मैसेज पास करना है रिकॉर्ड इंसर्टेड, एंड मुझे बिकॉज ये सक्सेस मैसेज डिस्प्ले करना है, सो दैट सक्सेस, ओके, फाइन। लेकिन आप ये दोनों सीडीएन लिंक ऐड कर लें यहाँ पे, ओके। नाउ राइट क्लिक व्यू इन ब्राउजर, अभी हम एक डेटा यहाँ से इंसर्ट करने वाले हैं, ओके। उससे पहले हम डेटाबेस में जाके चेक कर लेते हैं कितने रिकॉर्ड हैं यहाँ पे, सिलेक्ट, ओके, लास्ट 9 रिकॉर्ड हैं यहाँ पे, हम अभी एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाले, दैट मीन्स 10 रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी, अजय, लास्ट नेम में शर्मा, एंड सपोज एज 18 एंड सैलरी समथिंग 11,000, हिट ऑन सबमिट बटन, ओके, फाइन। तो अभी हमें ये वाला अलर्ट आ गया, डेटाबेस में जाके डेटा चेक कर लेते हैं इंसर्ट हुआ या नहीं, यस, रिकॉर्ड नंबर 10 इंसर्ट हो गया, अजय शर्मा 18 एंड 11,000, ओके, फाइन। होप सो आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।